नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पता करें कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, या फिर अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो ये चीज़ें जरूर करेगा अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। तब मेरा पर्पस, मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप गलत डायरेक्शन में जा रहा है और आप खुश हो रहे हो कि मेरी लाइफ में तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं, मैं तो मज़े लेने वाली हूँ, मेरी लाइफ हो गई सेटल्ड, लेकिन आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद अगर वो आपको चीट कर रहा है सामने वाला इंसान, फिर हमें कैसा फील होगा। तो अल्टीमेटली हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ऑब्जर्व करके देखो, सोच समझ के देखो कि सामने वाला इंसान आपको कैसे ट्रीट करता है, क्या क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तब जाके आप फ्यूचर के लिए श्योर हो सकते हो कि हाँ, अब हम दोनों का कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है क्रेजी फिलोसफर ऑफिशियल के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं क्यों फोर्स करता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं फ्यूचर में सेमिनार्स, इवेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग सारी चीज़ें करने वाला हूँ, तो उसकी जितनी भी जानकारी होगी वो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ सुनने के लिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो आपसे प्यार करता है, तो वो आपको एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फील कराएगा। वो आपको फील कराएगा कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हो। एक प्रायोरिटी नाम की चीज़ होती है और एक होती है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कि आप उसके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो। वो आपके लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। ही और शी इज देयर फॉर यू। ठीक है, कोई भी इंसान चाहे कितना भी बिजी हो, राइट, अगर उसके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से उसकी जॉब है, ये है, वो है, लेकिन अगर वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो बेवकूफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ है फिर आपके रिलेशनशिप में। उसे आप वैल्यू बोल लो, उसे आप इंपॉर्टेंस बोल लो, उसे आप बोल दो कदर करना, उसे आप बोल दो कुछ भी बोल दो कि हाँ, वो चीज़ है आपके रिलेशनशिप में और आपको वो चीज़ माननी चाहिए, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर सामने वाला इंसान बहुत बिजी होते हुए भी आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, आपकी कदर कर रहा है, तो ही और शी इज सीरियस फॉर यू। ऑलराइट, द सेकंड थिंग, अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा पॉजेसिव है आपको लेके, या थोड़ा सा जेलस फील करता है, तो कुछ ना कुछ है मेरे भैया, फिर समझ लो कुछ ना कुछ है। क्या कुछ ना कुछ है? अगर मान लो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और सामने वाले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरी 10 फीमेल फ्रेंड्स हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है यार चिल, कूल कूल, तो या तो वो बाबा है, बाबा का लेवल है कि यार उसने पूरी दुनिया से मोह माया बंधन अटैचमेंट सब कुछ छोड़ दिया है, या तो ही और शी इज़ अ शार्प माइंडेड गाय, कि उसको पता है कि कैसे चीज़ों को चलाया जाता है, कैसे नचाया जाता है, कैसे दौड़ाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, ये चीज़। तो आप देखो कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, थोड़ा जेलस फील करता है वो इंसान, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि साइको हो, या फिर प्यार का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर एकदम ज़्यादा आप अंदर चले गए हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आपके बीच आदतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आदत लग गई हो एक दूसरे की, ये हो सकता है। तो देखो कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे आपको सामने वाला इंसान क्या क्या बातें आपके साथ शेयर करता है। अगर वो आपके साथ अपनी प्लान्स, अपनी सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें शेयर करता है, उसकी प्लानिंग है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरा करियर का ये है, मैं ये करूँगा, अपनी सीक्रेट्स बताता है, तो कुछ ना कुछ है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि सब नहीं बताते हैं। अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होगा, सब नहीं बताएंगे। द वन हु इज़ वेरी सीरियस फॉर यू, द वन हु इज़ डैम सीरियस फॉर यू, they'll tell you each and everything about their life, कि उनकी लाइफ की प्लानिंग ये है, उनके लाइफ में ये चलने वाला है, ये चीज़ें हैं मेरे दोस्त। और जो सीरियस नहीं है वो कुछ नहीं बताएगा, वो बस ना मज़े लेने के लिए आया, मज़े लेगा, निकल लेगा बस। एक और चीज़ है कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और अगर वो इंसान आपको सबसे मिलवाता है, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, तो वो सीरियस है, क्योंकि वो लॉन्ग रन के लिए सोच रहा है, आपको मिलवाना चाहता है, आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, आपको बताना चाहता है अपनी लाइफ के बारे में, शेयर करना चाहता है, आपसे ओपिनियन लेता है अपनी लाइफ के बारे में, आपको सुनता है पेशेंटली, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझता है, मनाता है,
ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे है सामने वाला इंसान आपके लिए सीरियस। मज़े लेने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, मज़े आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जो ये चीज़ें आपके लिए कर रहा है या फिर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करता है, फील करता है, देखो लड़ाई झगड़े तो सारे रिलेशनशिप में होते हैं, नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट, परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बट यू कैन फाइंड द गुडनेस, यू कैन फाइंड द नाइस थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, इन अ पर्सन और एज अ पर्सन। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं आपको किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पर्सन से इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए, तो वो पागल नहीं है, वो पगला नहीं रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो है आपके लिए सीरियस, वो है आपके लिए बहुत बढ़िया इंसान। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसा कुछ है और ऐसे इंसान को तो आई होप सो कि चीट भी नहीं करना चाहिए, कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और फिर मिले हैं तो फिर बहुत बड़े भाग्य की बात है, या फिर उसको अपना गुड लक मान लो, उसको अपना लक मान लो, उसको अपनी लाइफ का एक अचीवमेंट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ये है मेरे दोस्त, बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त खुश कोच आनंद। बस मेरी यही दुआ है कि मेरे को इतना सब कुछ बताने का मेरा एक सोल पर्पज़ था कि दोस्त आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो, आप दुखी ना हो, और फिर आप लॉन्ग रन के लिए अपनी लाइफ को लेके चलें, आप खुश रहें अपनी लाइफ में। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।